स्वच्छता के बाद अब इंदौर ट्रैफिक के मामले में नंबर वन बनने की तैयारी भी कर रहा है। इसी को लेकर राजधानी भोपाल में मंत्री तुलसी सिलावट ने प्रदेश के गृह और इंदौर के प्रभारी मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात कर खास प्लान तैयार किया है, जिसे लेकर एमपी न्यूज़ के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए मंत्री तुलसी सिलावट ने जल्द ही इंदौर को ट्रैफिक के मामले में भी नंबर वन बनाने की बात कही है। देखिए ये खास बातचीत। मध्य प्रदेश के जल संसाधन एवं मत्स्य विभाग के मुखिया श्री तुलसीराम सिलावट जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बालाघाट मछली उत्पादन के मामले में नंबर वन रहा सर। मैं वाकई में मेरे विभाग को बधाई, आभार और धन्यवाद देता हूँ। जिस समर्पित भाव से छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े हर उस अधिकारी को जिन्होंने इस मछली उत्पादन के अंदर प्रयास किया, कोशिश किया, मध्य प्रदेश का गौरव, बालाघाट जिला पूरे राष्ट्र में उत्पादन में प्रथम आया है। मध्य प्रदेश का जिस प्रकार से मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करता है, इस मछली विभाग में भी एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। सर, आपने एक बात कही है, लेकिन बालाघाट के अलावा अन्य जिले भी हैं, उनको उनके लिए क्या किस तरह की कार्ययोजना आपकी तरफ? मैंने आज ही सारे अधिकारियों से बधाई दी है और उनसे अनुरोध भी किया है। बालाघाट का अनुसरण जो मध्य प्रदेश के अन्य जिले हैं उनमें भी हम कोशिश करें उनके समकक्ष लाने के लिए कि किस प्रकार से बालाघाट उत्पादन में देश में नंबर वन आया है। हम उनके समीप जाने के हर जिले को, हर अधिकारी को निर्देश भी दिए हैं और उनसे कहा कि एक संकल्प ले लो, जिस प्रकार से बालाघाट ने लिया है, मध्य प्रदेश के हर जिले संकल्प ले कि मछली के उत्पादन में हमें नए कीर्तिमान स्थापित करना है। और जब कोई भी छोटा अधिकारी, छोटा कर्मचारी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री संकल्प ले, तुलसी सिलावट संकल्प ले, तो मैं कोसता हूँ कि कोशिश में हम सफल हों। सर, इंदौर स्वच्छता के मामले में नंबर वन पे आया है सर, और क्या नई कवायद जिससे नंबर वन पे बरकरार रहे? आप जानते हैं इंदौर की कोशिश, इंदौर का प्रयास, इंदौर का प्रत एक ऐतिहासिक है, एक अद्भुत है। इंदौर के प्रत्येक नागरिक में एक जुनून पैदा हो गया है, एक तड़प पैदा हो गई है, एक ललक पैदा हो गई कि हमारा इंदौर राष्ट्र में स्वच्छता में नंबर वन बने। आज उसी का नतीजा है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार, पांच बार आना अपने आप में कीर्तिमान स्थापित रखता है। किसी स्तर पर जाने के बाद उसको बरकरार रखना ये सबसे बड़ी उपलब्धि है और ये करके पूरे राष्ट्र में इंदौर ने करके दिखा दिया। मैं इंदौर वासियों को प्रणाम भी करता हूँ, बधाई भी देता हूँ, एक एक व्यक्ति को, समाज के हर वर्ग को, युवाओं को, तरुण को, बेटी को, बेटे को, भाई को, बहन को, और मैंने बोला समाज के हर वर्ग, हर वर्ग, उसमें समाज सेवी भी आ गए, डॉक्टर भी आ गए, वकील भी आ गए, और जनप्रतिनिधि छोटे से लेकर सांसद से लेकर विधायक से लेकर मंत्री से लेकर पार्षद से लेकर पूर्व पार्षद से लेकर सारे अधिकारी भी, इन सब का समन्वय और सामंजस्य, एक जुट, एक जन आंदोलन स्वास्थ्य के प्रति जो एक प्रेरणा बन गया पूरे राष्ट्र का, इसलिए मैं इंदौर को प्रणाम भी करता हूँ, नमन भी करता हूँ कि माँ अहिल्या की नगरी जब भी कुछ करती है तो ऐतिहासिक करती है। इसलिए स्वच्छता में पांच भी बार आए हैं, क्योंकि राष्ट्र के महामहिम प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति जी ने कहा, जो ये महत्वपूर्ण है कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, पांच बार आना बहुत से बड़ी उपलब्धि है, ये जुनून और समर्पण का नतीजा। सर, आपने स्वच्छता के मामले में बात कही, लेकिन ट्रैफिक, यातायात की बात की जाए तो बड़ा कंजेस्टेड है इंदौर, चूंकि आप इंदौर से बिलोंग करते हैं, तो उसको लेकर किस तरह की कार्ययोजना और क्या आपका माइंड सेट है? आप जानते हैं मैं निरंतर यातायात को लेकर चिंतित भी हूँ और कोशिश भी और प्रयास भी कर रहा हूँ। कल ही मैंने मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी से बात की और निरंतर IG और DIG से मेरी निरंतर बात चल रही है, कर विस्तृत चर्चा नरोत्तम मिश्रा जी से बात की, वो भी मेरी बात से सहमत हैं कि इंदौर के यातायात को जो अभाव है
साधन का, सुविधा का उन्होंने मुझे देने का आश्वासन किया है, क्योंकि इंदौर का प्रभाव पूरे मध्य प्रदेश में पड़ता है। वहाँ का यातायात ठीक हो, व्यवस्थित हो, जब जिस प्रकार से मैंने कहा ना कि हम स्वच्छता में नंबर वन आए, अब वो आर्थिक राजधानी भी है, कला की भी है, संस्कृति की भी है, शिक्षा की भी है, खेल की। एक दिन वो दिन आएगा यातायात भी मध्य प्रदेश से पूरा राष्ट्र प्रेरणा लेगा कि यातायात में भी इंदौर नंबर वन बनेगा, क्योंकि इंदौर में काम करने का जुनून है। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद थे जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट जी, जिनका साफ तौर पर मानना है कि स्वच्छता सर्वेक्षण के बाद अब यातायात के मामले में भी जो है इंदौर नंबर वन पे आएगा, और उसको लेकर कवायद शुरू हो चुकी है। भोपाल से बीडी जुंदे सुशील यादव के साथ राकेश शर्मा, MP News TV भोपाल।